हेलो दोस्तों, नमस्कार, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म टॉप 10 क्लासेस। तो डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कक्षा 10 की फिजिक्स की प्रकाश के परावर्तन के बारे में, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में अध्ययन करेंगे प्यारे बच्चों। तो जल्दी से जल्दी जो क्लास में नए होंगे या जो चैनल पर नए आए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे। तो चलिए आज के टॉपिक की चर्चा करते हैं। आज की टॉपिक क्या है? प्रकाश का परावर्तन, जो कि बोर्ड के पेपर के दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। क्या चर्चा करने वाले हैं? प्रकाश का परावर्तन। तो डियर स्टूडेंट, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है ध्यान से समझिएगा। हम लोग स्टार्टिंग यहाँ से करते हैं। जैसे हम लोग बचपन में गेंद खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, तो क्या होता है जब गेंद को किसी दीवार पे फेंकते हैं, क्या करते हैं जब गेंद को किसी दीवार पे फेंकते हैं तो वो गेंद जो है टकरा कर हम लोगों के हाथों में आ जाता है। आपने देखा होगा कि जब किसी गेंद को किसी दीवार पे फेंका जाता है तो गेंद टकरा कर वापस तुरंत हाथों में लौटता है। तो ये हाथों में जो गेंद लौट के आ रहा है वो गेंदों का दीवार से टकराना, टकरा के लौट के आना ही गेंद का परावर्तन कहलाता है। पर हमको यहाँ गेंद का परावर्तन नहीं पढ़ना है, हमको क्या पढ़ना है? प्रकाश का परावर्तन पढ़ना है। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने पृष्ठ पर पड़ती है, किसी चिकने पृष्ठ से टकराती है और टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाए, तो यह घटना क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। तो आइए जरा सा समझते हैं, फिर आपको जरूर समझ में आएगा। तो आइए, हम लोग की टॉपिक क्या है? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन तो टॉपिक हो गई। आप चाहो तो इसको लिखना चाहते हो तो इसकी इंग्लिश वर्ड भी आप लिख सकते हैं, रिफ्लेक्शन, REFLECTION, रिफ्लेक्शन ऑफ LIGHT, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। डियर स्टूडेंट, चलिए आइए हम लोग देखते हैं। आइए इसको हम लोग देखते हैं कैसे, कि जब कोई प्रकाश किरण, क्या हमने बताया, जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने पृष्ठ, किसी भी चिकने तल पे पड़ जाए, किसी पॉलिशदार वस्तु पे पड़ जाए और पॉलिशदार वस्तु पे पड़ने के बाद पुनः उसी मार्ग में, पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाए, तो यह घटना क्या कहलाता है? यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है, यह घटना रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। आइए देखते हैं कैसे। हम लोग क्या लेते हैं? एक चिकना पृष्ठ लेते हैं। क्या लेते हैं? एक चिकना पृष्ठ। तो चलिए एक चिकना पृष्ठ ले लेते हैं, ये हो गया, जिसको हम लोगों ने क्या कर दिया? पॉलिश कर दिया। क्या कर दिए? पॉलिश कर दिए। ठीक, ये पॉलिश कर दिए। अब आपने क्या पढ़ा कि जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने पृष्ठ पर पड़ती है, तो जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने पृष्ठ पर पड़ती है और पड़ने के पश्चात जब इसे पे पड़ेगी तो पड़ने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाए, यानी जिस माध्यम से आई है पुनः उसी माध्यम में वापस क्या हो जाए? लौट जाए, तो यह घटना क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। तो डियर स्टूडेंट, हमने क्या बताया कि जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने तल पे गिरती है, जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने तल पे गिरती है और गिरने के बाद पुनः उसी माध्यम में, कहने का मतलब है कि जिस माध्यम से आई है, अगर यहाँ वायु होगा तो वायु में से आई है तो वायु में ही गई है। देखिए ये पृष्ठ हो गया तो चिकने पृष्ठ के एक ही तरफ है ना सब, तो यानी प्यारे बच्चों, आपके कहने का मतलब क्या हुआ? प्रकाश का परावर्तन क्या होता है कि जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने पृष्ठ पे गिरती है और गिरने के बाद पुनः उसी मार्ग में वापस लौट जाए, तो यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। तो आइए लिखते हैं, जब कोई प्रकाश किरण किसी
किसी चिकनी पृष्ठ पर पड़ती है किसी चिकने पृष्ठ पर पड़ती है तथा पढ़ने के पश्चात या बाद पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है वापस लौट जाती है। यह घटना क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ये हो गया तो आपको ज़रूर समझ में आ गया होगा। आइए अब ध्यान से समझते हैं, इसको हमने जो पढ़ा, आइए इसको देखते हैं क्या ऐसा होता है कि जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने पृष्ठ पे पड़ता है तो क्या ऐसा होता है कि जिस माध्यम से आया रहता है उसी माध्यम में वापस लौटता है कि नहीं लौटता। आइए हम लोग इसको देखते हैं कि कैसे होता है प्यारे बच्चों। तो चलिए हम लोग एक दर्पण लेते हैं, एक शीशा लेते हैं और शीशे पे एक प्रकाश पड़ा के देखते हैं क्या प्रकाश का परावर्तन होता है। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि हमने अभी आपको बताया था कि क्या बताया कि हम लोग यहाँ पर एक ऐसा क्या लेंगे, दर्पण लेंगे जो जिसका पृष्ठ चिकना हो। तो ध्यान से समझिएगा, आपको यहाँ हम आपको समझाते हैं। सबसे पहले यहाँ आप समझिए कि ये जो सामने वाला जो ये पृष्ठ है, ये जो सामने वाला पृष्ठ है ये चिकना पृष्ठ है। ये क्या है? चिकना पृष्ठ है। ये देखिएगा, जो ये पृष्ठ है वो आपका ये वाला पृष्ठ है जिस पृष्ठ से प्रकाश टकराया है। अब जब इस पर प्रकाश टकराएगा तो जैसे टकराएगा वैसे लौट जाएगा। यानी ये देखिए, ये आने वाला प्रकाश हो गया, अब इस माध्यम से आया है, जैसे इससे टकराएगा वैसे पुनः इसी माध्यम में क्या हो जाएगा, लौट जाएगा। तो देखिए ये आपका ये जो चिकना वाला पृष्ठ है, देख रहे हैं ना चिकना पृष्ठ, तो जब चिकने पृष्ठ पे पड़ेगा तभी प्रकाश का परावर्तन होगा। आइए हम आपको करके दिखाते हैं, आप यहां देख रहे हैं, आइए यहां भी दिखाते हैं। अब देखिएगा, तो आइए देखते हैं। देख लीजिए, अब आपने क्या किया, एक आपने दर्पण लेके रखे हैं, अब आपके सामने हम दिखा रहे हैं, ये टॉर्च है जिससे प्रकाश किरणें बाहर की तरफ निकलती हैं। तो ये जब इससे निकलने वाला प्रकाश किरण आप देख सकते हैं, जब इस दर्पण पे पड़ा तो इस दर्पण पे पड़ने के पश्चात आपको दिखा रहे हैं, अभी आपको नहीं दिखाई पड़ रहा होगा। अब देखिएगा, जब देखिए हमने क्या किया कि इस दर्पण पर प्रकाश किरणों को आपतित कराया, प्रकाश किरणों को डाला। ये देखिए टार्च से आप देख सकते हैं प्यारे बच्चों, अगर आपको नहीं दिखाई पड़ रहा है कि हो सकता है कि सर प्रकाश किरण न दर्पण पे पड़ा रहे हो, ये देखिए जैसे जैसे हम लोग टार्च को इधर उधर करते जा रहे हैं, जैसे जैसे टार्च के स्थान को विस्थापित कर रहे हैं यानी हटा रहे हैं, वैसे वैसे प्रकाश जो है बदलता जा रहा है। ये देखिए ये आप देख सकते हैं, ये देख लीजिए, ये अब आप देखिए ये देख लीजिए आपके व्हाइट बोर्ड पे आ गया। यानी जैसे जैसे टॉर्च से पड़ने वाले प्रकाश किरणों को हम लोग आप स्थान चेंज करेंगे वैसे वैसे प्रकाश का परावर्तन भी चेंज होता चला जाता है। यानी प्रकाश का जो परावर्तन होता है इस टॉर्च से पड़ने वाले प्रकाश के ऊपर डिपेंड करता है। आप देख लीजिए, अगर आपको देखना है तो कैसे आपको दिखाया जा सकता है, आप देख सकते हैं, ये दिखेगा, ये हमारे चेहरे पर जरूर आपको जो है प्रकाश का परावर्तन देखने को मिल रहा होगा कि इस टॉर्च से पड़ने वाला जो प्रकाश किरणें हैं वो दर्पण पे पड़ रही हैं और टकराने के बाद देखिए एकदम सीधे गई हैं तो सीधे मुझ पे पड़ रही हैं, तो ये क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। देखिए हमने आपको इस इतने ऊपर किए फिर उसके बाद इधर करे तो धीरे धीरे आप जरूर समझ गए होंगे प्यारे बच्चों। एक लास्ट कोशिश है आपको समझाने का कि आप देख सकते हैं कि जैसे हम लोग दर्पण पे प्रकाश डालते हैं, जैसे ही ये प्रकाश किरणें दर्पण पे गिरता है वैसे पुनः उसी माध्यम में क्या हो जाता है, लौट जाता है। ये देखिए टॉर्च इसी माध्यम में प्रकाश भी लौटा, ये देखिए, तो ये लौटने वाला जो प्रकाश होता है यह पूरी घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। तो उम्मीद करते होंगे कि ये छोटा सा जो प्रयास
प्रयास है आप लोगों के लिए, ये जरूर समझ में आया होगा कि आज आप लोगों ने ये देख लिया कि प्रकाश का परावर्तन होता है कि नहीं होता है। चल आते हैं हम लोग अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आपने देखा कि प्रकाश का परावर्तन कैसे होता, अब आइए थोड़ा सा इनकी और बारे में जानते हैं। अब जैसे कि क्या जानेंगे, प्रकाश के परावर्तन से संबंधित कुछ पद होते हैं उनको जानेंगे। तो आइए, जो आने वाली किरण होती है, आने वाली किरण किधर, आने वाली किरण पृष्ठ की ओर आने वाली किरण आपतित किरण कहलाती है। तो इसका नाम हो जाएगा आपतित किरण। क्या नाम हो जाएगा? आपतित किरण। ठीक, लौटकर जाने वाली किरण का नाम परावर्तित किरण। कौन सा किरण? परावर्तित किरण। ध्यान से समझिएगा, लौटकर जाने वाली किरण का नाम परावर्तित किरण। और ये दोनों किरणें जहां पर मिलती हैं, जहां पर मिलती हैं उसका नाम होता है आपतन बिंदु। क्या होता है? आपतन बिंदु। ध्यान से समझिएगा, ये दोनों किरणें जहां मिलती हैं उस बिंदु का नाम होता है आपतन बिंदु। और दूसरी बातें क्या हैं, इन दोनों किरणों के बीच, इन दोनों किरणों के बीच एक क्या खींच देते हैं? लंब खींच देते हैं। इन दोनों किरणों के बीच एक लंब खींच देते हैं जिसे क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। दोनों किरणों के बीच खींचा गया जो लंब होता है, लंब का मतलब होता है एक क्षैतिज रेखा पे एक ऊर्ध्वाधर खींची गई रेखा। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि इस मार्कर पे ये वाला जो मार्कर है वो लंब है। तो आप देख सकते हैं ऐसे ही तो यहाँ बना है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? यहाँ अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। बातें समझ में आई डियर स्टूडेंट? अगर कहीं भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा कि सर मुझे ये टॉपिक नहीं समझ में आया है, तो ज़रूर आपको समझाएंगे। ठीक, अब ध्यान दीजिए, अगला हमने क्या बताया? आने वाली किरण आपतित किरण, जाने वाली किरण परावर्तित किरण, दोनों किरणों के बीच खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है, और वह बिंदु जिस पे आपतित किरण परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों खींचे जाते हैं वह बिंदु क्या कहलाता है? आपतन बिंदु कहलाता है। तो डियर स्टूडेंट एक बात और यहाँ से समझिएगा कि इन दोनों के बीच कोण बना है, इन दोनों के बीच कोण बना है जिसे हम लोग आई से व्यक्त करते हैं, जिसका नाम होता है आपतन कोण। क्या नाम होता है? आपतन कोण। कौन सा नाम होता है? आपतन कोण। अब ध्यान से समझिएगा, आपतन कोण किसके बीच बना है? आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है। डियर स्टूडेंट देख सकते हैं, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है, जिसे स्मॉल आई से व्यक्त करते हैं। बातें क्लियर हुई? आगे आइएगा, अभिलंब और परावर्तित, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है, जिसे किससे व्यक्त करते हैं? आर से व्यक्त करते हैं। क्या किससे व्यक्त करते हैं? आर से व्यक्त करते हैं। ये देखिए हमने क्या बताया, परावर्तित किरण, देखिए आप भी समझिए, परावर्तित किरण इसके बीच और इसके बीच, इन दोनों के बीच जो बना कोण होता है वो क्या कहलाता है? परावर्तन कोण कहलाता है। तो आइए इन सबको हम लोग धीरे धीरे लिख लेते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक क्या बनाएंगे? सबसे पहली हेडिंग है आपतित किरण। तो आपतित किरण के बारे में क्या लिखेंगे? दर्पण की ओर या पृष्ठ की ओर, पृष्ठ के ओर आने वाली किरण, आने वाली किरण पृष्ठ की ओर आने वाली किरण आपतित किरण। आपतित किरण कहलाती है। ठीक, आपतित किरण कहलाती है। किधर की ओर? दर्पण की ओर आने वाली। फिर परावर्तित किरण, दूसरी टॉपिक क्या बनाते हैं?
परावर्तित किरण पृष्ठ से लौटकर जाने वाली, पृष्ठ से लौटकर जाने वाली किरण कौन सी किरण कहलाती है? परावर्तित किरण। परावर्तित किरण कहलाती है। ठीक, कौन सी किरण कहलाती है? परावर्तित किरण कहलाती है। आगे आते हैं, हम लोग आगे चर्चा करते हैं। ठीक, आगे की तरफ चर्चा करते हैं। अब आगे क्या है? आपतित किरण जान लिए, परावर्तित किरण जान लिए, अभिलंब क्या जानेंगे? अभिलंब। अभिलंब, अभिलंब क्या होता है ध्यान से समझिएगा। क्या होता है अभिलंब? आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब। आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब क्या कहलाता है? अभिलंब कहलाता है। आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब, खींचा गया लंब क्या कहलाता है? अभिलंब कहलाता है। अभिलंब कहलाता है। ठीक, ये हो गया। अब अभिलंब जान लिए, आपतित किरण जान लिए, परावर्तित किरण जान लिए, अब हम क्या जानेंगे? आपतन कोण। क्या जानेंगे? आपतन कोण। चलिए, आपतन कोण को किससे व्यक्त करते हैं? आई से, तो हमने यही लिख दिया। ठीक, आगे नहीं लिखेंगे अब हम लोग। आपतन कोण क्या होता है? आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण। आपतित किरण और अभिलंब अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है। बना कोण आपतन कोण आपतन कोण कहलाता है। क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? आपतन कोण कहलाता है। फिर दूसरी टॉपिक कौन सी आती है? परावर्तन कोण। कौन सा टॉपिक आता है? परावर्तन कोण। तो परावर्तन कोण क्या होता है? जिसे हम लोग आर से व्यक्त करते हैं, स्मॉल आर से व्यक्त करते हैं। तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण, तो लिखेंगे परावर्तित, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच, और अभिलंब के बीच बना कोण, बना कोण क्या कहलाता है? परावर्तन कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? परावर्तन कोण कहलाता है। तो क्या प्यारे बच्चों? परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण कौन सा कोण कहलाता है? परावर्तन कोण कहलाता है। परावर्तन कोण कहलाता है। ठीक, सॉरी बच्चों, जरा से इसको आप ऐसे लिखिएगा, परावर्तन कोण कहलाता है। ठीक, ये फिर उसके बाद क्या आता है?
परावर्तन कोण पढ़ लिए, आपतन बिंदु, सॉरी अभी क्या बचा है, आपतन बिंदु बचा है, क्या बचा है, आपतन बिंदु। तो अगली टॉपिक क्या बनाएंगे, आपतन बिंदु। आपतन बिंदु ध्यान से समझिएगा, आपतन बिंदु क्या होता है, पृष्ठ पर स्थित वह बिंदु, किस पृष्ठ पर, परावर्तक पृष्ठ, इसे क्या कहेंगे, परावर्तक पृष्ठ कहेंगे, परावर्तक पृष्ठ, ध्यान से समझिएगा। अब हमने क्या कहा, परावर्तक पृष्ठ पर स्थित वह बिंदु, परावर्तक पृष्ठ पर स्थित वह बिंदु जहां पर आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों मिलती हैं, वह आपतन बिंदु कहलाता है। तो लिखेंगे परावर्तक पृष्ठ पर स्थित वह बिंदु जहां पर आपतित किरण, जहां पर आपतित किरण कामा परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों मिलते हैं क्या कहलाते हैं, तीनों मिलते हैं, आपतन बिंदु कहलाता है। ये बातें क्लियर हो गई। एक लास्ट बचता है परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ। तो परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, जिस पृष्ठ से प्रकाश वापस लौट जाती है, जिस पृष्ठ से प्रकाश टकरा के वापस लौट जाती है वह पृष्ठ क्या कहलाता है, परावर्तक पृष्ठ कहलाता है। क्या लिखेंगे, जिस पृष्ठ से प्रकाश वापस लौट जाती है परावर्तक पृष्ठ कहलाता है, परावर्तक पृष्ठ कहलाता है। इस प्रकार डियर स्टूडेंट, आपका जो प्रकाश का परावर्तन था उससे जो महत्वपूर्ण पद थे वो कंप्लीटली समाप्त हो जाते हैं। तो अगर आपको जो है आज के लेक्चर में प्यारे बच्चों कहीं भी किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट हो रह गया हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो प्यारे बच्चों, और आपके हर एक कमेंट का जवाब देंगे प्यारे बच्चों, और आई होप वीडियो आप सभी को ज़रूर पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।